10 साल का इंतजार हुआ खत्म। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, इंग्लैंड से भी पूरा कर लिया अपना बदला। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड टीमों के बीच खेला गया। गयाना के प्रविंदर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारी। इस मैच में भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की। बता दें, टीम इंडिया ने 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल पर पहुंची थी। इस बार फाइनल में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 171 बनाई। इस दौरान रोहित शर्मा के 29 गेंदों पर 57 रन बनाई। इस पारी में रोहित शर्मा 6 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहां पर हार्दिक पांड्या ने भी 13 गेंदों पर 23 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने नाबाद 17 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और मुकाबले को अपने झोली में डाल दिया। इंग्लैंड की टीम ने 272 रनों के जवाब में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने इस मैच में भारत के सबसे बड़े सफल गेंदबाज रहे। इन दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 सफलता मिली। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट निकाले। दूसरे ओर इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए और बटलर ने 23 रन बनाए। दोस्तों बता दें, इससे पहले 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड टीम आमने सामने हुई थी। तब इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को हराया था। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने इस टारगेट को बिना कोई विकेट गंवाकर हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इस बार भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल करके अपना बदला भी पूरा कर लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत पाएगी या फिर नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।